31 अक्टूबर की तारीख भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का, जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती थी। उसी रास्ते पर चलते हुए भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था। सरदार साहब के आह्वान पर देश के सैकड़ों राजे रजवाड़ों ने त्याग की मिसाल कायम की थी। कच्छ से लेकर के कोहिमा तक, करगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक, आज अगर बेरोक टोक हम जा पा रहे हैं तो ये साधारण किसान के घर में पैदा हुए उस असाधारण व्यक्तित्व का, सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है। सरदार पटेल, सरदार पटेल देश की एकता, देश की एकता।